प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कड़ू के नेतृत्व में 9 अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में एक मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में भाग लेने के लिए हर जगह से कार्यकर्ताओं को लाया गया था, लेकिन भंडारा में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं को टहलने के लिए कहा गया और अंधेरे में छत्रपति संभाजीनगर ले गए। यह महसूस करते हुए कि इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा टहलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि बच्चू कड़ू के मार्च के लिए ले जाया गया था। महिलाओं ने भंडारा में प्रहार के अध्यक्ष अंकुश वंजारी और पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। ये सभी महिलाएं वहां फंसी हुई है, चूंकि ये महिलाएं हवा में है और अधिकारी संपर्क क्षेत्र से बाहर है, इसीलिए बात करते हुए इन महिलाओं ने उन्हें जिले में वापस लाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार की घटना महिलाओं को रामटेक में भी यह कहकर एकत्र किया गया था कि वे शिरडी शेगांव दर्शन के लिए जा रही और उन्हें धोखा देकर प्रहार में ले जाया गया। लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बसें किराए पर लेने के लिए उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर महिलाओं को हड़ताल पर भेजने में सक्रिय थे? कांग्रेस के बैंक घोटाले में दोषी ठहराए गए सुनील केदार प्रहार के मार्च में जाने वाली महिलाओं को झंडा दिखाते हैं, जो किसानों और गरीबों का पैसा हड़प रहे? खुमारी की महिलाओं ने प्रहार के रमेश कारमोरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में एक गर्म चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में कारमोरे को वित्तीय ऋण प्रदान कर रही है। आम्हाला एक महिन्यापासून बांद्रे मॅडमने कॉल केला आणि म्हटलं सांगितलं की शिर्डीला आणि औरंगाबादला फिरायला जायचं म्हणून आम्ही सगळ्या बायांना तयार केल्या, बाया आणि बाया तयार पण झाल्या आणि त्यांनी आता कालपर्वा पण फोन केला, लिस्ट पाठवायला लावली बायाची महिलांची। आम्ही 50 बाया अगोदर तयार केल्या होत्या, त्यांनी 100 बाया सांगितल्या, 100 बाया पण तयार केल्या, मयारवाडीच्या आणि भोंदळ्याच्या पण बाया बोलवल्या आम्ही। आणि काल पण फोन केला की तुम्ही 8 वाजे तयारीत राहा, 8 वाजे ट्रॅव्हल होणार आहे। आम्ही 8 वाजेपासून इथे तयारी करून बसलेलो आहोत, पण बस काही आली नाही। आणि त्यांचा हेतू दुसरा होता की त्यांना आम्हाला मोर्चामध्ये न्यायचं होतं, ते आम्हाला माहीत नव्हतं, पण तरी पण आम्ही जायला तयार होतो। आणि आम्ही फोन करत आहोत की मॅडम गाडी केव्हा येणार आहे, बस केव्हा येणार आहे, अर्ध्या तासात, एक तासात असं करू आम्हाला आतापर्यंत इथं बसवलं, पण अजूनपर्यंत इथे बस आली नाही। त्यांनी आम्हाला म्हणजे खूप मोठा धोका दिला आहे त्यांनी। आणि आमची 500 रुपये रोजी पण गेली आहे, रोवण्याची रोजी गेली आहे, तर आम्हाला आता ती रोजी पण पाहिजे। आणि सगळ्या बायांना रोजी द्या, 500 रुपये 500 रुपयाच्या याच्यानं आम्हाला पाहिजे। आणि त्यांनी आम्हाला आमच्या घरी आणून द्यायला पाहिजे ते पैसे। तपाशी बाया दिसत असल्या आम्हाला आतापर्यंत इथं बसवलं की तुम्ही येता आता फुकटामध्ये येता म्हणून माझ्यावर एवढा जोर मारत आहात का? आम्ही म्हटलं आम्हाला रोजी द्या, तर म्हणत होते की तुम्ही आमच्या घरी कामाला आले होते तर तुम्हाला रोजी देऊ का असे बोलत आहे। तुम्ही फुकटात येऊन राहिले आणि तुम्हाला रोजी कसे बोलले ते आम्ही साहेब बोलले आणि त्या वांद्रे साहेब म्हणत आहे की माझा डोकं नको खराब करा, मला कॉल नको करा। आता त्या वांद्रे मॅडम बोलत आहे, संगीता वांद्रे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ भंडारा।